तो यूपी की लड़ाई में अब परिवारवाद पर सियासी चढ़ाई हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने परिवारवाद की आड़ में समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया है। उधर करहल में अखिलेश यादव की घेराबंदी की भी पूरी कोशिश हो रही है। अखिलेश के प्रचार में मुलायम सिंह यादव के कूदने पर बीजेपी ने इसे हार की हताशा से जोड़ दिया। एक तरफ पिता मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव और साथ में अखिलेश यादव। लंबे अरसे बाद ये पारिवारिक तस्वीर दिखी। प्रचार रथ में पूरा मुलायम परिवार दिखा। बेटे की जीत तय करने नेताजी खुद मैदान में उतरे, लेकिन मंच पर चूक हो गई। जीत की अपील में अखिलेश का नाम जिक्र करना भूल गए। मुलायम उम्र दराज हो गए हैं, अस्वस्थ भी हैं। ऐसी चूक अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये मंच चुनावी था, ये लड़ाई सियासी है और यहाँ मामूली चूक भी भारी पड़ जाती है। धर्मेंद्र यादव ने मौके को समझा, नेताजी को ध्यान दिलाया और फिर मुलायम की तरफ से जीत की अपील जारी हुई। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अशेष उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी वापस दिखा रहे हैं। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी मुआवजा जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह इस उम्र में भी बेहद मायने रखते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, एक मुकाम एक नाम दिलाया और वो अखिलेश के पिता भी हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पर भी तेवरियां चढ़ाई, मुलायम के प्रचार को अखिलेश की हताशा बताकर वार कर दिया। सपा का जो एसपी है ना, इसका दो ही अर्थ है। एक एस का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा करो और दूसरे एस का अर्थ है परिवारवाद चलाओ। मित्रों, सपा में जब सरकार थी तब एक ही परिवार से, अखिलेश जी के परिवार से 45 लोग अलग अलग पद पर थे। कितने लोग थे भाई? अमित शाह करहल के प्रचार में मुलायम सिंह के उतरने को हार के डर से जोड़ रहे हैं, तो पीएम मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है। उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरह। उधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि करहल में अखिलेश की हार तो तय है, तो अखिलेश 2 चरणों में ही 100 का आंकड़ा पार करने का दावा ठोक रहे हैं। करहल में एसपी सिंह बघेल जीतेंगे, सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? ये उनकी हार को, हताशा को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो किसान हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, जो बीजेपी को इस बार हराएंगे भी और बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाएंगे भी, क्योंकि बहुत निराश किया है जनता को। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ये सच है कि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को करहल में उतार कर बीजेपी ने यहाँ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि तीसरे दौर का दंगल आते आते मुद्दों की रूपरेखा भी बदल गई है। तमंचावाद से हमला परिवारवाद पर आ गया है। अब आज प्रचार का आखिरी दिन है और तीसरे चरण की लड़ाई किसी और ही दिशा में जाती दिख रही है। मौसमी सिंह, राहुल श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक।